इट वोंट मैटर एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स मॉड्यूल के सारी एक्सरसाइजेस एडिशनल क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 थाउजेंड ट्वेल्व टिल द लेटेस्ट तो लगभग 12 से ज्यादा साल का पीवाई क्यूज अपन करेंगे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी चार्टर वाइज सेक्शन वाइज पूरे सिलेबस की यू गेट माई कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द नोट्स डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट डायरेक्टली हैंडल बाय माई मी तो भाई आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी जितने डाउट्स पूछना है पूछिए डायरेक्टली मेरे से आपको रिप्लाई मिलेगा सो इफ यू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सेप्टेम्बर जैन और जून अटैम प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप माई टीम विल शेयर द डिटेल्स चलिए भाई आगे जाते हैं <coughs> तो यस लेट्स डिस्कस पेपर थ्री टेस्ट पेपर थी ये भी एक चीज़ इधर यूनिक है <coughs> ये जो मॉक टेस्ट पेपर थ्री इंस्टीट्यूट ने निकाला है ना ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है किससे मॉक टेस्ट पेपर जब उन्होंने मे 2018 का पेपर के पहले जो मॉक टेस्ट पेपर निकाला था ना शायद आपने वो देख भी लिया रहेगा या आप देख भी सक रहे एग्जैक्टली सेम सिर्फ कुछ आठ दस क्वेश्चन जो वो सिलेबस में नहीं मतलब उधर थे अब नहीं है उसको निकाल के उन्होंने रिप्लेस कर दिया है क्वेश्चन बट दैट्स इट बाकी एग्जैक्टली सेम मे 2018 का मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने डाला है सो इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग यू टू प्लीज प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट पेपर्स आल्सो नॉट स्किप इधर से वो मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है भाई कि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अटैक करते क्या बोल क्वेश्चन पी क्यू आर थ्री सिटीज का क्वेश्चन बिटवीन पी एंड क्यूज इलेवन टू ट्वेल्व पी बाय क्यू दिया ग्यारह बाय बारह दिटवीन पी एंड आर इज नाइन बाय बायर आपको, तो आपको दिया है नाइन बाई एट क्या मांगा आपको द रेशो बिटवीन द टेम्परेचर क्यू आर अब ध्यान दे क्यू टू आर कितना उसको चाहिए अब ये तीन अल्फाबेट्स में कनेक्शन दिख रहा है P Q R क्या दिख रहा है आपको p बाई q को अगर आपने q बाई r से मल्टीप्लाई कर दिया q q कट सीधा क्या मिलेगा p r सॉरी पी r ये जम रहा है तो कंटिन्यूड रेशो जैसा हो गया डू वी q? Yes. Q चाहिए अपन को और p बाय r दिया हुआ दिखता है क्या आपको So, क्या आपको इधर से क्यू बाय आर मिल जाएगा और वाई चिंदी ट्वेल्व ऊपर 11 नीचे सो so, इधर से आपको क्या मिला वॉट इज क्यू बाय आर ध्यान से नाइन बाई एट गॉड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व ऊपर 11 नीचे जम रहा है काटाकूटी करे फोर टू झा फोर थ्री और कुछ कटेगा नहीं नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन अपऑन ट्वेंटी टू इज दैट क्लियर है अपने पास ऑप्शन ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी टू बी ऑप्शन नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन इन डिटेल सो इट विल टेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप खुद से सॉल्व करके आप प्रो हो पॉज करिए सॉल्व करिए चेक करिए आगे ओके सो टेक दर्ड प्रपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस इज तो ये एक टर्म ये दूसरा टर्म उसका थर्ड प्रपोर्शनल मांगा तो यह फर्स्ट प्रपोर्शनल है यह मीन प्रपोर्शनल है अपन को चाहिए थर्ड तो आपको क्या समझता है ऐसा अगर इफ 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 एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आप क्या बोल सकते हो बीच वाले का स्क्वायर इज आजू बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन लेट्स डू द सेम बीच वाले का स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का स्क्वायर आर यू अंडरस्टैंडिंग मीन प्रपोर्शनल का स्क्वायर इज आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन एक साइड ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बोला लेट द थर्ड प्रपोर्शनल बी एक्स तो उसको एक्स ले, ले लेते हैं लेट्स सॉल्व ये क्या हुआ ए प्लस बी द होल रेस्ट टू फोर इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आई यू अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स अब क्या दिख रहा है ये दिख रहा है एक इधर से और ये कट गया या ये इधर आके डिवाइड हो गया यू कैन डू दैट सो वॉट इज एक्स ए प्लस बी द होल क्यूब द होल अपॉन ए माइनस बी दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ए प्लस बी द होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी कौन सा ऑप्शन रहा बाबा क्लियर जो 2018 वाला एम था उधर ये मतलब ये ऑप्शन हुआ ही नहीं करता था तो उधर ये क्वेश्चन चेंज करके ये ऑप्शन आता था बट एन यू डोट है सम ऑफ फिफ्टीन टर्म्स इज आपको एस फिफ्टीन मांगा क्वेश्चन में क्या दिया है एट्थ टर्म एट्थ टर्म मतलब टी एट क्या होता है ए प्लस एट माइनस वन सेवन डी और ये कितना है आपको फिफ्टीन पता है सो वॉट डू यू नो ए प्लस सेवन डी इज फिफ्टीन वैल्यू ऑफ एस फिफ्टीन तो So what is फिफ्टीन एन n upon 2 means 15 upon फिर आप क्या बोल सकते sakte 2a plus n minus 1 means 15 minus 1 means 14d. So question aap se expect kya Ye kahi to तो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ये इंफॉर्मेशन कहीं तो यूज कर इधर और आंसर निकाल. क्या दिख रहा a ए प्लस सेवन डी है इधर चाहिए टू ए प्लस फोर्टीन डी तो तूने क्या बोला सर ए प्लस सेवन डी अगर 15 है तो इसको पूरे को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इन टू ए टू ए टू सेवन जा फोर्टीन और 15 टू जा थर्टी हो जाएगा तो इधर से आपको क्या समझा a प्लस सेवन डी फिफ्टीन तो 2a ए प्लस फोर्टीन डी कितना थर्टी बस वही डाल दे भाई 15 बाई टू इन टू थर्टी क्या करेंगे टू वन जा टू फिफ्टीन ज़ा फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव इज दिस क्लियर इजी नेक्स्ट क्या बोल फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर जी पी अगर तीन नंबर जीपी में है जीपी में तो आप क्या बोल सकते हो दूसरा पॉइंट पहला इज इक्वल टू तीसरा पॉइंट दूसरा और एल कैन से बी स्क्वल टू ए सी अरे हा या नहीं तो आपने इधर सेम बोला मिडल टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ए एंड सी का मल्टीप्लीकेशन सो माइनस टू बाई सेवन इंटू माइनस सेवन बाई टू माइनस माइनस प्लस

b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी 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 साथ में लिया तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी क्या बोले आप टू टाइम्स द मिडल टर्म इज इक्वल टू आजू बाजू वाले का एडिशन बहुत बढ़िया अरे जमरा की नहीं टू टाइम्स द मिडल टर्म इज आजू बाजू वाले का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड होल्ड करना प्लीज सॉरी लेट्स कंटिन्यू इतना क्लियर टू टाइम एक्स इधर आ गया एक्स बन गया आंसर आ गया थ्री चिंदी पपलू पपलू नेक्स्ट ये वाला एम टी पी कंपेटिवली मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा ईजी है क्योंकि टू थाउजेंड एटीन में जब फाउंडेशन फर्स्ट बार

क्या बोला आपने लेट ऑल दीज थ्री टर्म्स बी इक्वल टू के तो आपने एक एक की जोड़ी ली क्या बोले ए टू वन बाय कितना टू बाय कितना सॉरी बी टू वन बाय वाई कितना के और सी टू वन बाय जेड कितना के तो आपने क्या बोला टेकिंग x द पावर ऑन बोथ द साइड x x मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो इसको ऐसा टपली मारो ये उसके सर पे जाएगा क्या हुआ ए कितना सर पे गया एक्स बी कितना सर पे गया y सी कितना सर पे गया जेड और यू कैन से टेकिंग एक्स द पावर वाई पावर एंड जेड पावर ऑन बोथ साइड्स, ए बी सी आ गया इसमें डालो बी कितना के रेस्टू वाई द होल रेस्टू टू के रेस्टू एक्स इंटू के रेस्टू जेड नाउ व्हाट यू कैन से टू इंटू वाई टू वाई वेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड अब आप क्या बोले

ये चैप्टर नंबर सिक्स एपीजीपी का क्वेश्चन विद इंडाइसिस गुस्सा हुआ द डेरिवेटिव ऑफ ओ डिफरेंशिएशन आ गया गुड क्वेश्चन चाहिए तो e so, क्या करेगा भाई टू बी एक्स टू बी एक्स तो यू इंटू वी रूल अपने भाषा में क्या पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स वन अपन एक्स प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला, विच इज ई रेस टू एक्स Can we take e raised to x common? 1 by x plus log x कौन सा ऑप्शन? Or you will have to cross multiply as well. If you see, cross multiply करना पड़ेगा क्योंकि देखो इधर किधर भी 1 upon x नहीं है. इसको cross multiply कर रहा हूँ बाबा. ध्यान से यार मतलब LCM लेना है. 1 plus x into log x is x log x the whole upon x. ये x भार फेंक दो. और अंदर क्या बच गया वन प्लस एक्स लॉग एक्स ये क्लियर है क्या क्या किया एल सी एम लिया आई ए सीट टॉर्च मल्टीप्लीकेशन तो वो मल्टीप्लाई किया एक्स पूरा डिनोमिनेटर बाहर ले लिया तो ये आंसर अब कोई ऑप्शन में जा रहा क्या ई रेस टू एक्स अप ऑन एक्स इन टू वन प्लस एक्स लॉग एक्स क्लियर 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 इधर एक डी ऑप्शन होना चाहिए था निस नेक्स्ट If y is equal to under root of वन minus x upon वन plus x, then वन minus x square into dy by dx की वैल्यू चाहिए आपको इस पूरे की वैल्यू चाहिए एक तरीका कैसे है ना यू कैन सॉल्व इट by डिफरेंट ways। एक तरीका आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और चेन रूल ले लो कैसा रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1 upon टू रूट x into जिसको x अज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन एंड देन यू पुट ओवर here यू कैन गेट द आंसर आई गेस मेरे को ये थोड़ा सा लॉक से ज्यादा ईजी लगा आई एम सॉल्विंग इट विल टेक थोड़ा सा टाइम सो प्लीज बी वेशन वाई इज 1 minus x upon 1 plus x द होल raised टू half. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द sides. Log y. हाफ ने उड़ी मारा Log किसका हो गया A upon b. What इज दैट Log a minus log b. Are यू अंडरस्टैंडिंग दिस अब लॉग फटाफट होता अपन को क्या अभी अपन डिफरेंशिएट कर दे लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हाफ कॉन्स्टेंट बाहर लॉग ऑफ वन माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन माइनस एक्स इन टू होगा ना लॉग यू का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन यू इन टू जिसको यू एज्यूम किया उसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या हो रहा है वन का डिफ्रेंसिएशन खत्म माइनस एज इट इज एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन सेमर वन अपॉइन वन प्लस एक्स वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो एक्स का वन तो ये बचा अब क्या हो रहा है देख ध्यान से वन बाई टू माइनस वन वन माइनस एक्स माइनस वन वन प्लस एक्स दिस इज

वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज दिस क्लियर माइनस एक्स प्लस एक्स कट क्या बच रहा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इजल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता टू और टू कट वाई को फेंकते उधर देखा डी वाई बाय डी एक्स कितना आ रहा है बाबा वाई इंटू माइनस वन इज माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ना हो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें पुट कर तेरे को किसका वैल्यू चाहिए वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई बाई डी एक्स लेट सॉल्व दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कितना माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कट कट वॉट द आंसर माइनस वाई ठा ठाक आंसर सो इट वॉज प्योर डिफ्रेंशिएशन सॉल्विंग नथिंग एल्स नेक्स्ट फाइन द ग्रेडियंट ऑफ द करव एट द पॉइंट वन कामा टू अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं वाई थ्री इंटू टू एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और फोर का जीरो सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया भाई सिक्स एक्स माइनस सिक्स और इसमें क्या बोला वन कामा टू डाल मतलब एक्स के जगह वन और वाई के जगह टू डी वाई बाई डी एक्स इजीगल टू एक्स के जगह वन वाई के लिए तो जगह ही नहीं है सिक्स माइनस सिक्स कितना एक्चुअली क्वेश्चन ये था बट इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है सो दिस शुड बी द करेक्ट वन आई वुड से इसमें थोड़ा एरर है पढ़ो देखो समझेगा द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म वाईगल टू एफ ऑफ एक्स तो ऐसा इक्वेशन है इफ द curve passes थ्रू द पॉइंट passes थ्रू द पॉइंट वन कामा जीरो एंड फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू ये थोड़ा गड़बड़ है, है ये पढ़िए पढ़िए ज्यादा सही है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द फॉर्म वाई जो एफ ऑफ एक्स इफ द कर पासिस थ्रू द पॉइंट वन कामा टू एंड एफ डैश एक्स आपको गिवन है आपको बोला एफ ऑफ एक्स कितना समझा तो इधर थोड़ा सा एरर है सो लेट्स टेक दिस एंड लेट्स सॉल्व इन द ऑन द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये लेके सॉल्व कर रहा हूं चल पढ़ते हैं क्वेश्चन <coughs> उसने बोला भाई तेरे को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला इक्वेशन चाहिए इट पास द पॉइंट वन कोमा जीरो एंड डिफ्रेंसिएशन टू एक्स माइनस वन है एक तरीका भाई तू रिवर्स टिक कर ले और दूसरा तरीका भाई नॉर्मली सॉल्व कर ले पहले नॉर्मली कर लेते हैं फिर रिवर्स टिक भी दिखा दूंगा मैं पहले नॉर्मली कर लेते हैं ठीक है भाई तो नॉर्मली कैसे कर रहे आपको एफ डैश एक्स दिया है आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए आपने क्या बोला व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं मैं टू बाहर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वाइन टू माइनस वन का इंटीग्रेशन x प्लस द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स ही कौन बोला उसने y ये भी जम रहा क्या तो इधर से मेरे को क्या मिल गया y कितना टू टू कट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज दिस क्लियर अब क्वेश्चन ने क्या बोला

ए ऑप्शन क्लियर लेट्स डू इट बाय रिवर्स ट्रिक ए ऑप्शन चेक करते क्या वाई इज इक्वल टू एक्स इसने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए एक तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश शुड बी टू एक्स माइनस वन और उसने ये सेटिस्फाई करना चाहिए दैट इट पासस थ्रू वन कॉमा जीरो कैसे करेंगे डेमो देखना इसको डिफरेंशिएट कर y मतलब ही एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो भाई इसने ये तो सैटिस्फाई किया ये चेक करते वन कॉमा जीरो कर रहा है या नहीं मतलब एल एच एस आर एच एस सेम आना चाहिए एल एच एस में कौन है वाई वाई के जगह डाला ज़ीरो अब आर एच एस सॉल्व कर एक्सक्वायर माइनस एक्स और एक्स के जगह डालना है वन तो क्या मिला वन स्क्वायर माइनस वन कितना जीरो अबाइड मीन गारंटी ए इज अवर आंसर सो इधर दैट और द रिवर्स ट्रिक यू कैन डू क्लियर पक्का नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स अब ये तो ट्वेल्थ का क्वेश्चन अपना क्या वन अपॉन एक्स अपऑन लॉग एक्स ऐसा लिख दू राइट इट लाइक दिस लॉग एक्स अपॉन वन ने पल्टी मारा वन अपॉन लॉग एक्स होगा और वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर क्या यूज कर रहे हैं अपन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में तो इधर कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपऑन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी और एफ ऑफ एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर में रहता लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी सो द आंसर Log of, mod of log x plus c ये क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस एक्सक्वायर प्लस सी क्यों नहीं आएगा भाई सही बोले डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट डाल दिया वन से लेके टू चल पहले टू डालते लॉग ऑफ चल ध्यान से टू का स्क्वायर फोर फोर प्लस लॉग द आंसर लॉग ऑफ फाइव बाई टू और कैलकुलस में बेस कितना होता है भाई क्लियर सो वॉट्स द आंसर ए ये रॉन्ग ये समझता है क्या देयर कैन नॉट बी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन तो एकदम सही आंसर है भाई फाइंड एफ ऑफ जी फॉर द फंक्शन अपन तो प्रो लेवल इसमें एफ ऑफ जी माने ऑफ 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 माने F of G of X को टू एक्सक्वायर प्लस वन अब क्या करेगा एफ वाले फंक्शन में जिधर भी एक्स है उधर डालेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन तो डाला एक्स इधर है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन उस पूरे की पावर एट क्या ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन यस yes. प्रॉपर सबसेट अगर डिसम्बर ट्वेंटी थ्री का आप पेपर देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत सारे दो तीन क्वेश्चन सबसेट्स पे आ गए थे यार तो सही है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने एक दो तीन चार पाँच फाइव एलिमेंट्स सो so, आपने क्या बोला टू रेस टू फाइव माइनस वन थर्टी वन आएगा टू रेस टू फाइव थर्टी टू माइनस वन थर्टी वन ऑन द सेट ऑफ ऑन द सेट्स ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन द रिलेशन इज अ परुलर टू अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल क्या दिख रहा है इज परपेंडिकुलर टू कोई भी लाइन खुद को परपेंडिकुलर होती है क्या लाइन एल वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल वन कोई भी लाइन खुद को परपेंडिकुलर नहीं हो सकती तो तू रिफ्लेक्सिव नहीं है सीमेट्रिक एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहले को परपेंडिकुलर अरे बहुत बढ़िया तो सीमेट्रिक तो हंड्रेड परसेंट है आंसर टिक कर दू क्या बाकी चेक करने की जरूरत नहीं ना क्योंकि सीमेट्रिक गारंटी है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ना तो बोथ बी एंड सी एक ऑप्शन होता और नन ऑफ दीज नहीं हो सकता कि इसी मेट्री का तो बाकी चेक करने का लोड नहीं ले रहे अपन क्या बोल रहे इन हाउ मेनी वेज थ्री प्राइजेस आउट ऑफ फाइव पांच में से तीन प्राइस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स थ्री ब्रदर्स इक्वली तीन प्राइज है तीन ब्रदर्स है उनमें इक्वली मतलब हरेक एक जन को एक एक मिलने वाला है क्लियर लेकिन टोटल प्राइस के कितने ऑप्शन है पांच में से तीन अब कैसे किया ये ये भाई नंबर वन भाई नंबर टू भाई नंबर थ्री पहले भाई को प्राइस देने के कितने ऑप्शंस पांच ऑप्शंस क्लियर एक प्राइस फर्स्ट बंदे को दे दिया दूसरे को देने के कितने ऑप्शंस चार एक और प्राइस दे दिया लास्ट वाले को कितने ऑप्शंस थ्री तीनों को प्राइस देना है तो आंसर क्या है फाइव फोर जा ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी यह आपने क्या बोला पांच में से तीन प्राइजेस अरेंज कर दे तीन बच्चों तीन भाइयों में अरेंजमेंट क्यों आया ए को फर्स्ट प्राइज मिला सेकेंड को मतलब बी को सेकेंड प्राइज इसको थर्ड प्राइज या चेंज कर दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये अलग है अब हाँ अलग है क्योंकि लोग अलग अलग है जमरा गया तो सीधा आंसर फाइव पी थ्री या सिक्सटी विच एवर वे यू वॉन्ट क्लियर इजी पक्का अरेंजमेंट हो रहा है प्राइज इसका देर आर ट्वेल्व क्वेश्चन टू बी आंसर्ड येस और नो हाउ मेनी वेज दिस कैन बी आंसर्ड बारहसर बारह क्वेश्चन है एक डेमो लेते हैं। एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके yes, या तो नो सो ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन टू 12 क्वेश्चन ईच कैन बी आंसर इन टू वेज उसने बोला आपको पूरा पेपर बाई डिफॉल्ट आंसर करना है कि how many ways this can be answered. आपने क्या बोला पहला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन या राइट सो ऑल द ट्वेल्व क्वेश्चन तो कैसे किया टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंट टू इंट टू टू कितने बार ट्वेल्व टाइम्स तो टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम्स इज वॉट टू रेस्ट टू ट्व इज दिस क्लियर टू टू जब फोर वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी सिक्स फाइव वन टू वन जीरो टू फोर वन जीरो टू फोर को और चार दो पर मल्टीप्लाई करना इंटू टू इंटू टू कितना आ रहा फोर जीरो नाइन सिक्स क्लियर है राइट right? ये टू रेस टू ट्वेल्व कैसे है ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन टू वेज येस या तो नो no से आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन ने बोला हाउ मैनी वेज दिस कैन बी आंसर्ड तो हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से आप आंसर कर सकते हैं तो पूरे बारह क्वेश्चन को कितने तरीके में आंसर किया टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू ट्वैट इज टू रेस टू ट्वेल्व फोर जीरो नाइन सिक्स ये इजी फिफ्टीन सी थ्री आर इज इक्वल टू फिफ्टीन सी आर प्लस थ्री ये अपना क्या होता है एन सी एक्स इज एन सी वाई सो एक्स इज वाई और एक्स प्लस वाई इज एन क्वेश्चन पर डिपेंड करता क्या होगा तो करते पहले एक्स इक्वल टू वाई थ्री आर इक्वल टू आर प्लस थ्री टू इधर टू आर इक्वल टू थ्री तो आर कितना थ्री बाई टू नॉट पॉसिबल आर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसीमल तो आपने ये यूज़ किया एक्स प्लस वाई थ्री आर प्लस ये तो so, ये एक्स है ये वाई दिस शुड भी इक्वल टू एन माने फिफ्टीन फोर आर थ्री उधर गया तो so आर कितना थ्री अ पॉलीगॉन हैज फोर्टी फोर डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स आर व्हाट डू वी नो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज गिवन बाय एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू दैट इज गिवन योर्टी फोर क्लियर तो ये टू भी उधर फेंक देता हूँ एन इंटू एन माइनस थ्री कितना एटी एट लेट्स डू नाउ रिवर्स ट्रिक चल ए ऑप्शन चेक करते हैं सिक्स डाला सिक्स इंटू सिक्स माइनस थ्री सिक्स थ्री जाटीन बट चाहिए डालते सेवन इंटू फोर सेवन फोर जा ट्वेंटी एट नाइन एट डालते नहीं चलेगा इंटू इलेवन माइनस थ्री इज एट ओ यस एट झाइट इजी द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग दिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ सिक्स डिफरेंट कलर इज गिवन इज अपन ने ये सेम टाइप का क्वेश्चन किया था याद है डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई गेस मॉक टेस्ट पेपर वन में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जिधर मैंने क्यूब लेके एक्सप्लेन किया था आई एक्सप्लेन देयर बाई टू वेज तो अगर आपने टास्क सीरीज किया हो तो आपको ये आंसर आया रहेगा एनी वेज लेट्स इट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यू हैव टू पेंट द सिक्स फेसेस ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब विद सिक्स डिफरेंट कलर्स अब देख पॉइंट क्या है ना अगर ये लीनियर अरेंजमेंट होता ना बेटा लाइक सब सिक्स फेसेस एक लाइन के लाइन में होते ये एक लाइन में नहीं है ये एक्चुअली गोल भी बना रहे अगर आप समझ रहे हो अगर ये दो फेस इग्नोर कर दिया ये एक सर्कल बन रहा तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट नहीं है सबसे पहले वो समझना आपने बोल दिया सिक्स फेसेस कैन बी कलर्ड विथ सिक्स डिफरेंट सिक्स फेसेस कैन बी पेंटेड विथ सिक्स डिफरेंट कलर्स इन सिक्स फैक्ट्रियल वेज इधर कोई भी छः फिर कोई भी पाँच चार तीन दो एक सिक्स फैक्ट्रियल काम खत्म ऐसा नहीं है अब क्यों ऐसा नहीं है ना देख अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू प्लीज समझना ये भी जाके देख सकते हैं आप या आपने ऑलरेडी देखा रहेगा एक कहानी क्या है ना समझ मैंने ये किया मैंने हर एक लाइक ये फेस को पेंट करने के छः ऑप्शन एक पेंट कर दिया कोई भी पाँच कोई भी चार कोई भी तीन कोई भी दो कोई भी एक ऐसा पेंट कर दिया टोटल सिक्स सिक्सफैक्टुल वेज आ गए बट अब इसमें ना बहुत सारी चीजें रिपीटेशन हो रही है क्यों क्यूब ऐसा रख कि ऐसा रखा रख ऐसा भी रख कैसे भी रख सेम ही होता है यार बट अपन उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं कैसे देख इमेजिन कर अब ये एक अरेंजमेंट है जो मैंने रखा है ऊपर रेड है नीचे ऑरेंज वाइट मेरे साइड में ग्रीन है इधर येलो है और आपके साइड में ब्लू है तो ये एक अरेंजमेंट है जो आपको दिख रहा है ठीक है अब क्या है ना जरूरी है कि रेड ऊपर ही आएगा नहीं हो सकता है ये सेम अरेंजमेंट ऐसा हो हो सकता है ऐसा क्यों ऐसा हो सकता है इधर कोई भी छह कलर आ सकते हैं समझ इधर रेड रखा तो बाकी रेड नहीं आएगा बट ऐसा हो सकता है ना इधर वाइट रखा है इधर रेड रखा है तो रेड इधर आया है और सेम बाकी जगह पर चीज़ें हैं तो पॉइंट क्या है ये जो एक एक अरेंजमेंट जो मैंने लिया ना है ना अभी ये जो ये क्यूब जैसा मिला मेरे को ये सेम अरेंजमेंट भी कितने बार रिपीट हो रहा है एक तो ये एक है ये रखा तो सेम ही है बट इसको दो बार काउंट नहीं कर सकते ये रखा सेम ही है ये अलग क्यूब नहीं है ये रखा अभी भी सेम है तो अभी तक चार किए मैंने दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इतना क्लियर है अब और क्या दिख रहा है तुमको ये एक रख सकता हूँ मैं तुम्हारे साइड या तो रेड मेरे साइड छः हुए इधर नहीं रख सकता ऑलरेडी काउंट किया इधर नहीं रख सकता ऑलरेडी काउंट किया तो छः बार मैंने एक्स्ट्रा काउंट किया है एक अरेंजमेंट को तो जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो छः बार एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं तो उनको छः से डिवाइड करना पड़ेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर सिक्स फैक्टर लिया है तो एक तो छः से डिवाइड कर अब कहानी खत्म नहीं हुई है और इसमें भी रिपीटेशंस है देख अभी तूने क्या किया ना बेटा समझ तूने एक फिक्स कर दिया एक फॉर एग्जाम्पल रेड ऊपर और ऑरेंज नीचे अब अगर रेड ऊपर ऑरेंज नीचे है तो ये एक अरेंजमेंट है जिधर शायद स्टार्टिंग में आपके पास ब्लू दिख रहा था ये एक अरेंजमेंट है मैंने इसको ऐसे घुमाया क्या ये अलग क्यूब है सेम तो दो हुआ रेड पहले आपको ब्लू दिख रहा था अब येलो दिख रहा है अब चेंज किया ये एक अलग क्यूब है नहीं लेकिन दिख रहा आपको अलग है ये एक अलग अरेंजमेंट हुआ लेकिन ये अलग नहीं है तो इधर कितने हुए आपको दिखा पहले ब्लू येलो ग्रीन वाइट और फिर ब्लू तो टोटल चार एक्स्ट्रा और ऐड हो गए क्यों अगर मैंने रेड और ऑरेंज और फिक्स किया बेटा तो अगर ये ये जैसे रेड ऊपर फिक्स किया मैं बाकी जगह रेड लिया ही नहीं ऊपर रेड नीचे ऑरेंज फिक्स किया तो ये जो ये जो बन रहा है ना जैसे आपके पास ब्लू वाइट ग्रीन येलो ये भी अपन चार बार और एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं एक अरेंजमेंट में ऐसा कर रहे हैं तो उसको भी चार से डिवाइड किया तो एक के साथ हुआ तो ऐसे जितने भी है मतलब सिक्स फैक्ट्रिय ट्वेंटी ये जो सेवन ट्वेंटी वेज है इसमें हर जो अलग अलग अरेंजमेंट्स है ना जो है उनको ट्वेंटी लाइक सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर टाइम्स एक्स्ट्रा बार काउंट किया ट्वेंटी सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर कैसे हुआ एक तो पहले ये वाले मैंने बताए जो छे थे और अगर फिक्स किया तो वो चार और एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं मतलब एक अरेंजमेंट अपन चौबीस बार गिन रहे हैं तो मेरे को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा तो सिक्स फैक्टोरियल सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी को मैंने अगर 24 से डिवाइड किया तो आंसर आता है थर्टी तो एक्चुअली कितने अलग अलग तरीके हैं ओनली थर्टी वेज आर देर सिंस यू कैन नॉट से कि ऊपर वाला कौन, नीचे वाला कौन हैन्स द एक्स्ट्रा आर गेटिंग डिवाइडेड क्लियर है ये एक तरीका था या तो दूसरा तरीका मैंने क्या बोला अब ये भी थोड़ा जुगाड़ है देख ध्यान देना मैंने बोला ऊपर का फेस फिक्स कर देते और उसमें रेड कलर भी फिक्स कर देते आप बोलेंगे रेड ही अगर आपने बोला अपर फेस वी फिक्स दिस एंड वी कैन पेंट द अपर फेस इन रेड लाइक इन सिक्स वेज लाइक छः कलर का ऑप्शन है तो अगेन आपको उसको बाद में छः से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वही छः आप एक्स्ट्रा काउंट करेंगे तो इसमें एक चीज़ कैसे कर सकते हैं सेकेंड वे में आपने अपर वाला फेस फिक्स किया उसमें रेड कलर फिक्स किया अब बाकी की बात करते हैं तो ऊपर वाला फिक्स हो गया एक ही तरीके से अब जो उसके ऑपोजिट वाला है उसके कलर उसको कलर करने के कितने ऑप्शन है आपके पास पाँच अब आपको क्या पेंट करना है एक दो तीन चार ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है क्योंकि स्टार्ट कौन है एंड कौन है पता ही नहीं यार समझ रहा है कि नहीं ये 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 साइड वाले फेसेस तो कितने हैं चार फेसेस चार फेसेस पे चार कलर पेंट करना है लेकिन सर्कल में तो आपने बोला चार माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे थ्री फाइव ट्वेल्व सिक्स सिक्स फाइजा कितना थर्टी क्लियर है कैसे किया नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हाउ मेनी सिक्स डिजिट टेलीफोन नंबर छह डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग टेन डिस्टिंग डिजिट्स टेन डिस्टिंट डिजिट्स मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो सब टेन डिजिट के नंबर टेन डिजिट कोई भी आप यूज कर सकते हैं आपको बनाना क्या है सिक्स डिजिट का नंबर इधर कौन सा डिजिट आ सकता है टेलीफोन नंबर कैन स्टार्ट विद जीरो तो इधर कोई भी दस आ सकते हैं दस में से एक या तो एक बैठ गया तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव इज दिस क्लियर या तो आपने क्या बोला टेन डिजिट्स में से कोई भी सिक्स डिजिट्स इधर अरेंज कर दे टेन पी सिक्स इज द सेम राइट क्लियर और अपन रेपिटेशन नहीं ले रहे हैं टेन डिस्टिंक्ट डिजिट बोला है मतलब दस की दस अलग होने मतलब दस अलग अलग नंबर है तो एक एक ही है आपके पास एक जीरो एक वन एक टू एक थ्री और उनसे आपको टेलीफोन नंबर बनाना है क्लियर ये पक्का समझा डायरेक्ट टेन पी सिक्स दस में से दस डिजिट्स में से कोई भी छः डिजिट यूज कर अरेंज कर और टेलीफोन नंबर बना ठीक है टेन पी सिक्स चल एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डॉट 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 एक किधर तक रहेगा ये ऑब्वियसली नथिंग गिवन इट इट विल एंड एट एन सी एन उससे आगे जा नहीं सकता तो ये सबका डायरेक्ट फार्मूला टू रेस टू एन माइनस वन यूज़ किया अपन the value of oh लॉक ke question let's do log of 0.001 पॉइंट the base 0.1 is x अपन इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं यू कैन डू इन कैलकुलेटर यू कैन टेक 0.1 का क्यूब और वो उड़ी मार के वैसा या तो अपन इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो उन्हें धक्का मारा 0.001 जीरो जीरो वन इज जीरो पॉइंट वन रेज टू एक्स नाव यू कैन यूज रिवर्स ट्रिक एज वेल ये अगर आपको समझता है तीन डेसीमल एक दो तो दो ये देख रहे एक, दो जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर की जीरो पॉइंट वन का क्यूब चेक कर लो ना रिवर्स में जीरो पॉइंट वन का क्यूब मतलब इन टू देयरफॉर एक्स कितना थ्री क्लियर जीरो पॉइंट वन का क्यूब होता है ना वो या तो आप रिवर्स टिक कर लो जैसा भी यार सही है चल लॉग ऑफ एक्स टू बेस फॉर इज दिस अगेन लेट्स टू यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म फोर ने उसको धक्का मारा तो क्या होगा एक्स इजीवल टू ध्यान दे फोर ने धक्का मारा वो पावर में फोर रेस टू माइनस थ्री बाई टू फ्रैक्शनल सेपरेट करें तो कैसे लिखा ध्यान दे फोर रेस टू हाफ लिखता है इसको मैं रेस टू माइनस थ्री लिखूँ मल्टीप्लाई होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना टू तो क्या आया टू की पावर माइनस थ्री नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाने नीचे गया तो वन बाई टू क्यूब माने कितना 1 by 8. Is this clear? Next. A number consists of 2 digits. The digit in tens place is 3 times the digit in units place. If 54 is subtracted from the digits, from the number, the digits are reversed. From the number, then द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज रिवर्स टिक्स कर ले सबसे पपलू तरीका कंडीशन क्या क्या है टें प्लेस पे जो डिजिट है इट इज थ्री टाइम्स यूनिट्स प्लेस पे डिजिट और सेकेंड कंडीशन क्या है नंबर में से 54 फोर सब किया तो डिजिट्स हो जाएंगे रिवर्स लेट्स चेक ऑप्शन ए प्लेस पे जो डिजिट है वो थ्री टाइम्स होना चाहिए यूनिट्स का Place पे प्लेस पे थ्री है यूनिट्स प्लेस पे नाइन है नाइन थ्री जवेंटी सेवन होता है तो ये तो गया आई होप आप समझ रहे हो यूनिट्स प्लेस को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं टू इन टू थ्री सिक्स होता है इधर नाइन है गया ये दिख रहा है यूनिट्स प्लेस पे थ्री है थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर नाइन आया भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसकी बात करते हैं नंबर कौन है 93 थ्री इसमें से फिफ्टी फोर माइनस करना थर्टी नाइन बनता क्या ओ थ्री माइनस फिफ्टी फोर एंड ये दोनों में डिजिट्स रिवर्स है ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड अवश्य तो मेरा आंसर जम रहा है क्या नेक्स्ट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट द वैल्यू ऑफ पीज ये शायद मॉक्टिस पेपर वन या टू में भी सेम था वो आपने देखा था

P प्लस फोर द होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता ए स्क्वायर प्लस टू इंटू पी इंटू फोर टू इंटू पी इंटू फोर इज एट पी प्लस फोर का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन फोर इंटू टू एट पी फोर फाइव ट्वेंटी भाई ये दोनों मर गए सब हो गए सिक्सटीन उधर गया ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन इज फोर सो पी स्क्वायर इज फोर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड इक्वेशन है स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा भाई नेक्स्ट in the above table corresponding values of two variables x and y have been given which of the following equation establishes the relationship between the two variables to bol kya raha hai ye table hai isme x ki value aur y ki value matlab x jab 5 hai y 11 hai x जब 6 है, y 13 है, x 7 तो y 15 x 8 तो y 17 ये जो टेबल है ये कौन से इक्वेशन से बन सकता है तो अपन रिवर्स ट्रिक करेंगे मतलब कैसे करेंगे जैसे ए ऑप्शन लिया इसमें ये चेक करते एक्स डालते फाइव देखते वाई एलेवन आ रहा क्या तो एक्स डालते फाइव पुट कर एक्स के जगह फाइ चल थ्री फाइजा फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन बट मेरे को चाहिए क्या था इलेवन तो टू तो मेरा आंसर नहीं है लॉजिक समझा सेम इधर भी करेगा x डालते फाइव टू फाइजा टेन माइनस वन नाइन चाहिए कितना था लेवन टू भी गया कर... इधर देखते भाई x डालते फाइव टू फाइजा टेन प्लस वन और अरे इलेवन आया अरे वाह वाह तो पूरा चेक करना चाहिए एक्चुअली बट इसमें भी एक बार देख लेते फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई तो बाकी सब करने का ज़रूरत नहीं चल x के जगह डाल फाइव थ्री फाइजा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन और अरे नॉट इक्वल तो भी मेरा आंसर नहीं आपको चेक करना है तो देखिए एक और कोई रैंडमली चेक कर ले सेवन डाले एक्स की जगह सेवन डाल टू सेवन प्लस आप लोग देख के भी समझ सकते हो ट्वाइस प्लस ट्वाइस प्लस वन, प्लस प्लसाइड परफेक्ट प्लस प्लस या तो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू आइटम्स रुपीज टेन थाउजेंड टू इन्वेस्ट एंड अ अस टू स्टोर हंड्रेड आइटम्स अ टेबल कॉस्ट सिम्स रुपीज फोर हंड्रेड और चेयर की कीमत रुपीज हंड्रेड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीन इक्वालिटीज क्या करेंगे एक टेबल की कीमत चार सौ रुपए तो एक्स टेबल की कीमत चार सौ एक्स एक चेयर की कीमत हंड्रेड तो वाई चेयर की कीमत हंड्रेड वाई ये उसने टोटल खर्चा किया और उसके पास टोटल पैसा दस हजार है आंसर तो होना चाहिए कौन सा ऑप्शन ओए कोई भी ऑप्शन नहीं है क्या है ना भाई डिवाइड करना पड़ेगा आई होप ये दिख रहा है एक बार इधर सब कैंसिल करें जीरो 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 क्या मिला फोर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हंड्रेड पक्का एक और इक्वेशन बनेगा क्या उसने क्या बोला ही हैज अ स्टोर ही हैज स्पेस टू स्टोर हंड्रेड आइटम्स मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हंड्रेड टेबल चेयर्स ही रख सकता है कुल मिला के टेबल्स कितने हैं एक्स चेयर्स कितने हैं वाई तो ये टोटल आइटम्स हुआ और कितने रख सकता है तू लेस देन इक्वल टू हंड्रेड आइटम्स यस ज्यादा से ज्यादा हंड्रेड तो ये दोनों किधर है ये दिख रहा है और ऑब्वियसली एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिविटी कंसे मेक सेंस नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टाइम वैल्यू ऑफ आंसर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट फाइव परसेंट पर एनम फॉर फोर इयर्स ऑन ट्वेंटी थाउजेंड इज तो आपको डिफरेंस मांगा है किसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चार साल के लिए तो निकाल ले इंडिविजुअली सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर ईयर क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड फोर थाउजेंड आ रहा है दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर इयर्स लेट्स फाइंड फर्स्ट अक्यूमलेटेड अमाउंट क्लियर कैल्सी में कर ले गया ट्वेंटी थाउजेंड फाइव परसेंट चार साल के लिए ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट चार बार ऐड किया ट्वेंटी थाउजेंड में प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट इसको प्रिंसिपल से सप्रैक किया माइनस ट्वेंटी थाउजेंड कितना आंसर आया फोर थ्री वन जीरो पॉइंट वन टू फाइव अब ये दोनों का डिफ्रेंस लिया

टे इन टू वन प्लस ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है क्या बोला कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा डबल तो अगर आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया उसका डबल मतलब टू टाइम्स द प्रिंसिपल कितने साल में अपन को चाहिए इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना फाइव अपन हंड्रेड पी और पी इधर भी पी था रे पी और पी कैंसल तो टू इजीवल टू फाइव बाई हंड्रेड इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव में वन ऐड किया वन पॉइंट जीरो फाइव रेज टू एन इज दिस क्लियर अब इसको एक तरीका तो है लॉग से सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट होता है अगर आपने मेरा ड्राइव अटेंड किया तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग लॉग दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट आप बोले नहीं लेट्स डू रिवर्स टिक तो लॉग एक सबसे बेस्ट तरीका है नहीं तो आप इधर से खेलते पहले ए ऑप्शन चेक करते व्हाट इज़ दैट फिफ्टीन ईयर्स एंड थ्री मंथ्स व्हाट डू मीन बाय दैट थ्री मंथ मीन थ्री बाई कितना होता थ्री डिवाइडेड बाई ट जीरो पॉइंट टू फाइव में फिफ्टीन ऐड किया कितना फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव अब आपने ये चेक कैसे करना है आपको आंसर क्या मिलना चाहिए एक्चुअली टू अगर ये सही है तो कैलसीम में कैसे निकालेंगे ध्यान से वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट जीरो फाइव दबाया फिर रूट दबाया बारह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू द पावर फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव प्लस वन अब इंटू इजिकल टू बार बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह द आंसर इज कमिंग आउट टू बी टू पॉइंट वन जीरो दैट इज नॉट एग्जैक्टली टू अपन जाते बी पे फोर्टीन ईयर्स एंड टू मंथ्स, हाउ मच इज दिस टू divided बाई ट्वेल्व प्लस फोर्टीन कम्स आउट टू बी आप इसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हो इफ यू वांट यार मैं डायरेक्ट ऐसा कर रहा हूँ वन पॉइंट जीरो फाइव रूट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इन द पावर फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स 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 सेवन इतना क्लियर है प्लस वन इन टू इज टू बार बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस इज कमिंग आउट टू बी वन पॉइंट नाइन नाइन फाइव नाइन विच इज अप्रॉक्सिमेटली वेरी क्लोज टू टू आप सी ऑप्शन लेके देखना वो टू से थोड़ा और ऊपर जाएगा सो so एक्चुअली ये दोनों भी ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यू कैन सॉल्व दिस आप ये सॉल्व करके कमेंट करना और लेट मी नो वट इज आंसर अब पॉइंट क्या है ना ये सेम एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उधर अपनी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है इसका आंसर बी है सो आई वुड गो विद ऑप्शन बी जस्ट बिकॉज आई के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इट सेज ऑप्शन बी नेक्स्ट और मशीन वर्थ रुपीज फोर लैख नाइनटी थाउजेंड सेवन फोर्टी इज डेप्रिशिएटेड एट फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर वेन वुड इट्स वैल्यू रेड्यूज बाय नाइंटी परसेंट उसका वैल्यू रेड्यूस बाय नाइन्टी परसेंट होगा मतलब मैंने बोला योर वेट वॉज सिक्सटी लाइक योर वेट वॉज हंड्रेड योर वेट रेड्यूस्ड बाय फोर्टी मतलब सौ में से चालीस कम हुआ अब आपका वेट सिक्सटी है ऐसा ये क्या बोल रहा है द वैल्यू रेड्यूस्ड बाय नाइन्टी परसेंट तो अगर मैंने ऐसे सेम बोला समझो आपका वेट हंड्रेड था आपका वेट या आपका या किसी भी चीज़ का यार कोई एक एनिमल है जिसका वेट 100 के था उसका वेट रेड्यूस्ड बाय 90 परसेंट हुआ मतलब 100 में से 90 परसेंट कम हुआ तो कितना बचा 10 परसेंट बचा सिंपल तो अपन ने क्या बोला द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज दिस मच डेप्रीशिएटेड वैल्यू कितना आया वॉट इज द डेप्रिशिएटेड और स्क्रैप वैल्यू इट इज जस्ट 10% परसेंट ऑफ फोर नाइन जीरो सेवन फोर्टी इज दिस क्लियर लेट्स यूज दैट तो आपने क्या बोला डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज ओरिजिनल कॉस्ट इन टू वन माइन वन माइनस आई रिस्टू एन डेप्रीशियेटेड वैल्यू इज टेन परसेंट ऑफ द कॉस्ट बोल दो जो फोर नाइन्टी ए क्यों लिखना है वो क्योंकि वो कट हो रहा वन माइनस हाउ मच फिफ्टीन परसेंट मीन जीरो पॉइंट वन फाइव रेस टू एन तो ये कितना आया जीरो पॉइंट वन इजीवल टू जीरो पॉइंट एट फाइव रेस टू एन अब आप फिर रिवर्स ट्रिक से ए बी सी डी चारों ऑप्शन चेक करेंगे या तो सबसे बेस्ट मेरे लिए तो लॉग होता है भाई तो अगर आपने ड्राइव किया है मेरा तो लॉग से करो डायरेक्ट इजी है यू डोंट हैव टू डू रिवर्स ट्रिक या आपने बोला रिवर्स ट्रिक करते हैं अब ये चार ऑप्शन है जो सबसे हटके उसको पहले चेक कर लेने का फिर ये क्यों बहुत आस पास है यार तो फिर गिचमिट है सबसे पहले ये लास्ट वाला चेक करते हैं एन कितना फोर्टीन ईयर्स एंड टू मंथ्स सो मच इज दैट टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस फोर्टीन दैट इज फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स 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 दो ले लो यार ठीक कैसे करेंगे किसका पावर जीरो पॉइंट एट फाइव रेस टू फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स सिक्स हाउ डू यू डू दिस जीरो पॉइंट एट फाइव रूट बारह बारह एक तो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू कितना फोर्टीन पॉइंट वन सिक्स सिक्स प्लस वन इंटू बार बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जीरो पॉइंट जीरो दिस इज जीरो पॉइंट जीरो नाइन नाइन एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट वन और वही मेरे को चाहिए था तो गारंटी अपना डी ऑप्शन करेक्ट है क्लियर अप्रोक्सीमेटली आप नेक्स्ट अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज सेवन परसेंट पर एन एम हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव फिफ्टी ग्रोइंग एट फाइव परसेंट एनुअली फॉर एवर तो ये परपेचुअल एनुअटी विथ डिस्काउंटिंग वाला है तो आपने क्या बोला कितना है फिफ्टी अपॉन आई माइनस जी होता है तो सेवन परसेंट माइनस फाइव परसेंट तो फिफ्टी अपॉइंट टू अपॉन हंड्रेड हुआ पल्टी मारा तो फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू इज ट्वेंटी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी या रेगुलर एन इट इज गिवन बाय ए इन टू वन प्लस आई रेस्ट टू एन माइनस वन अपॉन आई क्लियर डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस नहीं होता ये वन माइनस नहीं होता नीचे ये नहीं आता नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पर आना इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली वॉट विल बी द इफेक्टिव रेट कैसे किया ईजी वो वन प्लस डिवाइडेड बाई कितना ट्वेल्व हंड्रेड एक साल में कितने मंथ बारह ये कैलकुलेट कर नाइन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई ट हंड्रेड प्लस वन इंट दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू हंड्रेड टेन पॉइंट थ्री सिक्स आंसर क्लियर उसने सब कुछ दिया हुआ है आपको बड़े न्यूज लेट सॉल्व इट लाइक दिस मशीन वर्थ रुपीज फिर वही टाइप का क्वेश्चन इज डेप्रीशिएटेड फिफ्टीन परसेंट ओपनिंग वैल्यू वेन इट्स वैल्यू रेड्यूसेज टू टू लैक्स ओके तो दो लाख उसका स्क्रैप वैल्यू है ओपनिंग बैलेंस मतलब ओरिजिनल सॉरी ओपनिंग बैलेंस बोल रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी फोर लैख नाइनटी थाउजेंड सेवन फोर्टी इन टू वन माइनस आई रेस टू एन ये डिवाइड कर दे टू लैक्स डिवाइडेड बाई फोर नाइन जीरो सेवन फोर जीरो कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट फोर जीरो सेवन फाइव और ये कितना जीरो पॉइंट एट फाइव रेस टू एन अगेन चार ऑप्शंस चारों रिवर्स एक लॉक जमता सबसे शॉर्टेड सबसे हटके वाला ऑप्शन ये है तो पहले ये चेक करें फाइव ईयर सेवन मंथ्स मतलब कितना फाइव प्लस सेवन बाई ट्वेल्व यू कैन पुट दैट इन कैल मेमोरी में स्टोर करके कर सकते हो सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस फाइव कितना आ रहा है फाइव पॉइंट फाइव एट थ्री चल डालें जीरो पॉइंट एट फाइव की पावर हाँ जीरो पॉइंट एट फाइव रूट बार बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू पावर फाइव पॉइंट फाइव एट थ्री प्लस वन इंटू इजीवल टू बाराबर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री फाइव सिक्स जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री फाइव वेरी वेरी क्लोज थर्ड डिजिट में डिफरेंस है तो भाई ये एकदम सही आंसर है आप चाहिए तो आपने ऑबवियसली ए बी सी चेक किया फिर डी पे आया और वन क्लियर अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड सिंकिंग फंड मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी वाला अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड रिडीमिंग डिबेंचर्स डिबेंचर्स वर्थ फाइव लाख एट द एंड ऑफ 25 इयर्स 5 लाख चाहिए 25 साल बाद तो फ्यूचर वैल्यू है हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन ऑन एट फोर परसेंट पर एन एम क्लियर तो फ्यूचर वैल्यू आपको दिया है कितना पांच लाख कितनी एनविटी आपको रखनी है जीरो पॉइंट जीरो फोर वन प्लस आई रेस टू एन कितने साल के लिए ट्वेंटी फाइव ईयर माइनस वन तो ये पूरा निकाल के फाइव लाख से डिवाइड करेंगे फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इन टू पच्चीस दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौथा पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तेईस चौबीस पच्चीस माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फोर इसको डाल दिया मेमोरी में पांच लाख से डिवाइड ट्वेल्व थाउजेंड जीरो जीरो फाइव पॉइंट नाइन एट तो ऑलमोस्ट ट्वेल्व थाउजेंड एंड सिक्स रुपीज नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन तो या तो रियल रेट क्या होता है नॉमिनल माइनस द इन्फ्लेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है तो आपको वो प्रपोजल करना चाहिए सो एक्सेप्ट द प्रपोजल नेक्स्ट अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन टेन ईयर इन हाउ मेनी इन विल इट बिकम एट टाइम्स इसकी टोपी उसके सर डबल होता जि, जितने टाइम होता वो बेस में कितने ईयर्स में वो वो साइड के पावर डबल्स इन टेन ईयर्स सो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम एट टाइम्स सो डबल टेन ईयर्स में तो एट टाइम्स कितने ईयर्स में ये एट को कैसे लिखा टू का क्यूब का पावर टेन टू रेस टू थर्टी टू रेज टू थर्टी को इसके साथ इक्वेट किया तो एक्स कितर बाबा थर्टी ईयर्स नेक्स्ट

पॉइंट जीरो सिक्स इंटू दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टेन पावर पे वन पॉइंट सेवन नाइन आ रहा है नहीं चलेगा ट्वेल्व देखते लेवन टूवेल्व दैट इज टू पॉइंट जीरो विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस टू पॉइंट जीरो वन अगर आप थर्टीन फोर्टीन चेक करेंगे वो तो उससे ज्यादा जाएगा तो कोई मतलब नहीं ऑप्शन भी है क्लियर नेक्स्ट लेट्स डू LR तो यार ये वाले मॉक टेस्ट पेपर में अगेन इट्स प्रॉपरली अरेंज मैथ्स LR आर एग्जाम में तो सब मिक्स आता चल चेक कर 18 से 24 फिर कम हुआ 27 पता नहीं 30 फिर कम हुआ अगर ऐसा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है अपन पहला तुक्का क्या मारते ऑल्टरनेट सीरीज देख भाई है क्या कुछ रिलेशन 24 से ये तीन का गैप ये भी तीन का गैप 20 18 से 21 वन तीन ट्वेंटी से ये अगर तीन पकड़ा तो ये ट्वेंटी फोर होगा उसमें तीन ट्वेंटी सेवन यस सो प्लस थ्री का गैप है ये फाइव सेवन लेवन डैश थर्टी फाइव सिक्सटी सेवन कैसे होगा ये फाइव सेवन लेवन डैश थर्टी फाइव सिक्सटी सेवन इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस चेक करें तेरा डिफरेंस दो तेरा डिफरेंस चार तेरा डिफरेंस कितना रहे बाबा थर्टी टू फोर एट सिक्सटीन ऐसा चेक करें इलेवन में एट ऐड कर नाइनटीन नाइनटीन और सिक्सटीन थर्टी फाइव होता क्या सही है समझ है टू का डिफरेंस फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सो दिस इज नाइनटीन क्लियर देर कैन बी वन मोर वे ऑफ डूइंग इट फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया टेन उसमें से थ्री सप्रैक्ट किया तो सेवन मिला सेवन को टू से मल्टीप्लाई कर फोर्टीन में से तीन सप्रैक्ट किया 11 11 को टू से मल्टीप्लाई कर

जी नेक्स्ट इफ एफ इफ एफ इज इक्वल टू सिक्स एफ सिक्स है क्या yes मैट इज थर्टी फोर kitna कितना थर्टीन ए कितना वन टी कितना ट्वेंटी थर्टीन अबे ये ऐड किया तो थर्टी फोर आ रहा क्लियर तो आपको कार चाहिए तो सी कितना थ्री ए आर कितना एटीन एटीन और फोर ट्वेंटी टू नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर फाइव सिक्स सेवन एट का स्क्वायर 64 सुपर इजी फाइड फाइंड द ऑर्डमैन आउट ऑफ द सीरीज 16 25 36 72 144 196 225 दिख रहा फोर वन नाइन्टी सिक्स टू ट्वेंटी फाइव दिख सब स्क्वायर वाली सीरीज है सिर्फ तू ही कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है और तो ये एकदम चिंदी रखा था भाई इतना ईजी नहीं आ रहा एग्जाम में राजू चलिए करते राजू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स वन किलोमीटर टूवर्ड साउथ ए से चालू किया वन किलोमीटर गया साउथ टर्न्स एंड वॉक किलोमीटर तो लेफ्ट गया एक किलोमीटर चला ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स वन किलोमीटर तो अब इधर गया फिर एक किलोमीटर नाउ ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन नॉर्थ क्लियर रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स फिफ्टीन मीटर टुवर्ड्स वेस्ट तो एक पॉइंट से चालू किया वेस्ट गई फिफ्टीन मीटर्स टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स ट्वेल्व मीटर वेस्ट से लेफ्ट मतलब नीचे ट्वेल्व मीटर्स टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स तो इधर साउथ में जा रही है राइट मतलब अगेन टुवर्ड्स द वेस्ट वॉट इज द डायरेक्शन शी इज नाउ फेसिंग शी इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन इसी अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एट किलोमीटर्स तो साउथ से गाड़ी आ रही है नॉर्थ गई एट किलोमीटर्स ट्रैवल किया देन टर्न्स राइट एंड रन्स नाइन किलोमीटर्स राइट गई नाइन किलोमीटर्स अगेन टर्न्स टू द राइट एंड वॉश वॉस्टॉप तो राइट गई और रुक गई विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ फेसिंग साउथ द कार इज फेसिंग साउथ इट्स इट इज फेसिंग साउथ देर आर फाइव हाउसेस पी क्यू आर एस टी पी इज राइट ऑफ क्यू क्यू के राइट में पी है T is left of R. Hai, R left right of Toh, T जो है वो R के लेफ्ट में है एंड राइट ऑफ P. तो T जो है वो P के राइट में है Q is right of S. Q जो है वो S के राइट में है Which हाउस इज इन द मिडल तो पूरा कहानी बिल गया दिखता है क्या S Q P T R सही so, है yeah. S Q P T R बीच का बंदर कौन है क्लियर नेक्स्ट सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर फेस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ तो सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई तो सी जो है वो ए एंड ई के बीच में है या तो सी जो है वो ए एंड ई के बीच में इट कैन बी एनी वेज डी इज नॉट एट द एंड तो याद रखना डी एंड पे नहीं बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई ई के इमीडिएट राइट right पे बी है ई e के इमीडिएट राइट right पे ये नहीं हो सकता तो इतना तो अभी तक क्लियर है ए सी ई और उसके राइट right में है बी आगे एफ इज नॉट एट द राइट एंड एफ राइट एंड पे नहीं है तो शायद लेफ्ट एंड पे हो सकता है बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई ई के थर्ड लेफ्ट में है. एक दो तो, तीन इधर डी है विच ऑफ दिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी डी के लेफ्ट में क्या क्या हो गया ए बी सी डी ई एफ बाकी है एफ राइट एंड पे नहीं आ सकता तो एफ इधर होगा क्वेश्चन ने मांगा डी के लेफ्ट में डी के लेफ्ट में कौन है एफ सॉर्टेड सिक्स गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ सर्कल अपना सर्कल फेवरेट क्वेश्चन सर्कल फेसिंग द सेंटर सिक्स लोग एक दो तो, तीन चार पाँच छः अपन यूजुअली दो सर्कल बना लेते जस्ट टू तो टेक केयर ऑफ एनी इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू सुबु जो है वो पप्पू के लेफ्ट में सब इनवर्ड फेसिंग कर रहे हैं तो पप्पू के लेफ्ट में सुबु है रेवती इज बिटवीन सुबु एंड निशु सुबु निशा के बीच में रेवती होनी चाहिए अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना पप्पू और कीर्तना के बीच में अरुणा है और सुबु और निशा के बीच में रेवती है क्लियर तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हु इज राइट ऑफ निशा निशा इनवर्ड फेस कर रही है उसके राइट में कौन है रेवती क्लियर नेक्स्ट कितने इजी क्वेश्चन है भाई ए इज बीज ब्रदर ए इज बी का ब्रदर सी इज डीज फादर सी इज इज फादर सी जो है वो डी के पापा है इज बीज मदर तो इन इन दोनों की मम्मी है ई ए एंड डी आर ब्रदर्स तो इनका एक और भाई है भाई हाउ इज ई रिलेटेड टू सी डी किसका बच्चा है सी का मतलब सी पापा है ये तीनों के तो ये एक कपल है क्वेश्चन ने क्या मांगा हाउ इज ई रिलेटेड टू सी ई कौन है भाई सी की वाइफ इतना पॉपुलर नेक्स्ट एज बीज ब्रदर ए ए एज बीज ब्रदर बी का भाई सी इज एज मदर तो इनकी मम्मी है सी डी इज सीज फादर ओ इनके पापा है डी ई इज बीज सन तो बी का बच्चा है ई हाउ इज बी रिलेटेड टू डी बी कौन है डी की बी कौन है डी की डॉटर्स डॉटर daughter या डॉटर्स सन तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर अपने पास ग्रैंड सन का ऑप्शन नहीं था तो ग्रैंड डॉटर नेक्स्ट तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन ने यार तो वैसा ऑप्शन रहेगा इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी B has a daughter C, who is married to F. G is husband of A. How is G related to D? G कौन है? D के माम्स हस्बैंड, पापा होना भाई। Clear? G is father of D. तो आंसर क्या है भाई? how is g related to d g is the father of t next p and q are brothers p q bhai bhai hai r and s are sisters okay r s sisters hai p is son is s brother p ka son s ka bhai hai to iski ek behan hai s और एस की एक और बहन है यार मतलब ये तीनों भी सिबलिंग्स है समझता है क्या तो पी जो पापा है उनके तीन बच्चे हैं एक सन और दो डॉटर और क्यू जो है वो पापा के भाई हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर क्यू कौन है आर के आरस फादर्स ब्रदर पैटर्नल अंकल और यू कैन से अंकल क्लियर नेक्स्ट पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना प्लीज अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड्स शी तो मैन ने एक फ्रेंड को बोला she is the daughter of the only son of my father's wife how is the girl in the photograph related to the man तो so, ये जो she है ये वो girl है friend कोई तो भलता ही है तो अपन ने क्या man ने क्या बोला है उसके एक दोस्त को she she माने वो girl वो girl कौन है ध्यान से is the daughter of तो ये किसी की तो daughter है ये किसी की तो daughter है किसकी daughter तो only son of my father's wife my मतलब man के फादर मैंस फादर की वाइफ मतलब मैंस मदर अरे समझ रहा कि नहीं इतना क्लियर है मैंस फादर्स वाइफ तो मैन की मदर हो गई क्वेश्चन फिर से करते शी 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 इज द डॉटर तो किसकी तो डॉटर है किसकी डॉटर ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ मतलब मेरे मम्मी पापा का ओनली सन मेरे मम्मी पापा का ओनली सन मतलब वो मैन खुद हुआ समझता है क्या उसकी वो डॉटर है वो गर्ल समझा द गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ किसकी ये कौन है ओनली सन ऑफ माई मम्मी मेरे मम्मी का एकमात्र लड़का मैं हूँ और मेरी वो बेटी है ऐसा हो गया वो हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन ये गर्ल कौन है मैंने बोल दिया राइट बेटी मतलब डॉटर है ईजी तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं है यार पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर फादर मदर फोर सन्स एंड देयर वाइफ्स एंड वन सन एंड टू डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन्स हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देर ध्यान से ग्रैंड मदर है फिर मदर है फादर है फिर फोर सन्स सन है वाइफ है सन है वाइफ है सन है वाइफ है सन है वाइफ है और हर एक को एक बच्चा और दो डॉटर है सन वन डी वन डी टू तो इधर से भी डी वन डी टू डी वन डी टू डी वन डी टू आएगा मेरे को किस में इंटरेस्ट है फीमेल मेंबर्स हाउ मेनी आर देर ग्रैंड मदर मम्मी वाइफ 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 दो दो दो, दो. दो चार छ आठ दस बारह चौदह सो फोर्टीन फीमेल मेंबर्स आर देर क्वेश्चन थर्टीन बोल रहा भाई मेरे को लगता है इधर फोर्टीन होना चाहिए और पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर फादर मदर फोर सन वाइफ सही तो है यार ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो ये जो मदर है ये इनकी ग्रैंड मदर है करके एक ग्रैंड मदर ही नहीं है ऐसा है क्या आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट वे सो मेरे हिसाब से फोर्टीन होना चाहिए आंसर या क्लोजेस्ट थर्टीन मार्क कर दिया वैसा है नेक्स्ट शाम गोज़ फाइव किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम स्कूल स्कूल से नॉर्थ गया फाइव किलोमीटर टर्निंग टू लेफ्ट ही गोज़ टेन किलोमीटर इधर से लेफ्ट गया दस किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट अगर वेस्ट जा रहा है लेफ्ट मतलब नीचे तो कितना गया नीचे फाइव किलोमीटर्स हाउ फार ही इज फ्रॉम इज स्कूल इन एंड इन विच डायरेक्शन तो स्कूल से वो कितना दूर है भाई ये सेम लाइन है फाइव ऊपर फाइव नीचे तो यह कौन से डायरेक्शन में वेस्ट और यह डिस्टेंस कितना टेन सो ही इज स्कूल से फाइनल पॉइंट क्या है टेन किलोमीटर्स वेस्ट नेक्स्ट रसिक वॉकड ट्वेंटी किलोमीटर्स नॉर्थ तो वो गया नॉर्थ गया भाई बीस बीस मीटर देन ही टर्न राइट वॉक्स थर्टी इधर से राइट गया तीस देन ही टर्नस राइट वॉक्स थर्टी फाइव इधर से राइट गया कितना थर्टी फाइव देन ही टर्न्स लेफ्ट अगर साउथ जा रहा है लेफ्ट गया मतलब पंद्रह जाएगा ही टर्नस लेफ्ट वॉक्स फिफ्टीन फिर लेफ्ट मारा और पंद्रह गया इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इजी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये ट्वेंटी है ये थर्टी फाइव नीचे गया फिर फिफ्टीन ऊपर आया मतलब ये 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 जो है ना इधर से फिफ्टीन माइनस किया तो ट्वेंटी मतलब ये एक सेम लाइन पे पर समझता है क्या ये थर्टी फाइव पंद्रह कम किया तो ये बीस बचेगा तो पंद्रह ऊपर तो ये बीस है तो तो ये same line of action pair. Clear? तो ये total distance कितना हो गया भाई डैश इज सेटिस्फाइड वेन पी ये सर्कुलर टेस्ट में होता है समझता है क्या अपन जी जीरो जीरो ऐसा किया ज़ीरो वन वन टू टू जीरो ऐसा चलो द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट अ प्लेसिस इन टू थाउजेंड एट इज थ्री फिफ्टी फाइव विद टू थाउजेंड थ्री एज बेस दिस मीन्स देर हैज़ बीन इंक्रीज ऑन द एवरेज ऑफ इसको हंड्रेड से माइनस किया क्योंकि हंड्रेड से थ्री फिफ्टी फाइव हुआ है मतलब कितने से जंप हुआ है टू फिफ्टी फाइव परसेंट इंक्रीज़ हुआ है हंड्रेड का कितना परसेंट इंक्रीज़ होने के बाद थ्री फिफ्टी फाइव होगा टू फिफ्टी नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिकुएसी चार है

अगेंस्ट ऑर्ड अगेंस्ट क्या होता है भाई अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल इसमें ये प्रोबेबिलिटी है दिखता है तो चार अपॉन चार प्लस कितना नो हो होगा तो ये फेवरेबल वाला हिस्सा है और ये अनफेवरेबल वाला हिस्सा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल फाइव इज टू फोर आंसर नेक्स्ट कितना फ्रॉम द वर्ड होम वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल्स ओके होम में वॉवल्स और कॉन्सोनेट्स पहले सेग्रीगेट कर वॉवल्स कौन है एच ओ एम क्वेश्चन ने क्या करने बोला है टू लेटर्स आर टेकन तो अगर एक से ज्यादा लेटर अपन चूज कर रहे तो कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा तो सैंपल स्पेस में क्या है चार में से कोई भी दो लेटर्स आपने चूज किए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने बोली है नन ऑफ द लेटेस्ट वुड भी वॉवल्स कोई भी वॉवल्स नहीं चाहिए वो कब होगा जब आप कॉन्सोनेट्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं तो एच और एम दो, दो में से दोनों लिया तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई टू सी टू अपन फोर सी टू टू सी टू कितना होता वन फोर सी टू क्या होता फोर इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वन टू इज सिक्स तो आंसर क्या है वन बाई सिक्स पक्का ये समझा कॉम्बिनेशन क्यों है, समझा गया एक से ज़्यादा आइटम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन आएगा और एक के बाद एक नहीं कर रहे ना एक साथ equations ऑफ टू lines ऑफ रिग्रेशन आर फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो द मीन ऑफ एक्स एंड वाई आर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो या तो रिवर्स ट्रिक कर लो क्लियर तो अपन रिवर्स ट्रिक करते हैं यार चल ये एक चीज आपको समझ रही है ये सब चीज़ें ऐड हो रही है अगर एक्स और वाई पॉजिटिव डाला आपने तो ऐड ऐड होके जीरो कोई चीज़ बनेगी क्या आप पॉइंट समझ रहे है? X positive है, तो 4 into positive, positive, थ्री इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस सेवन एवरीथिंग इज एडिंग अप विल इट बिकम जीरो नो तो एक हिंट क्या है एक्स वाई पॉजिटिव नहीं हो सकते पक्का एक्स वाई बोथ नॉट बी पॉजिटिव आप अगर समझ पा रहे हो तो so, मेरे पास एक ऑप्शन है बी चेक कर नहीं तो नन ऑफ दिस तो दैट दैट मेक्स इट मच मोर इजियर तो बी ऑप्शन चेक करेंगे एक्स के जगह डालेंगे माइनस फोर बाई सेवन किया फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाई सेवन ये माइनस हो जाएगा तो एम माइनस कर दूँ नेक्स्ट माइनस इलेवन बाय सेवन वाई के जगह डालते थ्री इंटू इलेवन डिवाइडेड बाई सेवन ये भी माइनस कर दूँ, एम माइनस और प्लस सेवन है तो सेवन करके एम प्लस किया मेमोरी रिकॉल किया जीरो पॉइंट जीरो 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 मतलब एकदम अप्रॉक्सीमेट जीरो तो एक्स एक्स माइनस फोर बाय सेवन और वाई माइनस इलेवन बाय सेवन ने इस पहले को जीरो बनाया नेक्स्ट वाला करें थ्री इंटू एक्स तो थ्री इंटू फोर सेवन माइनस ये समझ आना ये कैसा आएगा थ्री इंटू माइनस फोर बाय सेवन प्लस फोर इंटू माइनस बाय सेवन प्लस एट और इसका आंसर अगर तो सेटिस्फाई किया तो मैं क्या कर रहा थ्री फोर ट्वेल्व बाई ये तो मैं क्या कर रहा हूँ ये लेके m माइनस कर रहा हूं बस, 12 ये देखो इधर से थ्री इंटू फोर डिवाइड बाई सेवन एम माइनस फोर इंटू इलेवन डिवाइडेड बाय सेवन ये भी एम माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने वाला है फिर एट एम प्लस मेमोरी रिकॉल किया अगेन जीरो पॉइंट जीरो 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 मीन दिस इज ऑल्सो जीरो इसने भी सैटिस्फाई किया तो गारंटी ये आंसर या आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर यार, रहे यार इट्स वन द सेम जम रहा है नेक्स्ट 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 को रिलेशन को अभी जून के वन या टू में हुआ ये भी क्वेश्चन सेम हुआ था यार इफ टू वेरिएबल्स वेरिएबल एंड वाई

फोर जैसा सिक्सटी फोर इन फोर इन सिक्सटीन एम प्लस में डाल दे फोर्टी डिवाइड बाई मेरी कॉल जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव क्लियर नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव डेटा ऑल दो इट डील्स विद ओनली क्वालिटेटिव सॉरी क्वानिटेटिव क्वालिटेटिव को कन्वर्ट करना पड़ता क्वान्टिटेटिव में अगर उसको डील करना है तो बट कंसर्न वो दोनों से रखता भाई द स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मुला क्या है भाई रॉ डेटा दिखता है क्या क्या समेशन ऑफ समेशन एक्साइज स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर क्लियर एक्स बार निकाल ले कितने लोग एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो एन अपना टेन है चले. पहले एक्स बार निकाल लेता हूँ मैं ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी टू प्लस फोर्टी थ्री प्लस फिफ्टी थ्री प्लस सिक्सटी टू प्लस फिफ्टी नाइन प्लस फोर्टी एट प्लस थर्टी वन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई टेन कम्स आउट टू बी फोर्टी वन इसका स्क्वायर मेरे को सब करना पड़ेगा अब ये निकाल लें समेन एक्साइज स्क्वायर तो क्लियर कर दिया मैंने चल ट्वेंटी फाइव इंटू एम प्लस कर दूँ या ट्वेंटी फाइव इंटू इक्वल टू एम प्लस फिर थर्टी फाइव इंटू एम प्लस फोर्टी थ्री इंटू एम प्लस फिफ्टी थ्री इंटू एम प्लस सिक्सटी टू इंटू एम प्लस फिफ्टी नाइन इंटू एम प्लस फोर्टी एट इंटू एम प्लस थर्टी वन इंटू एम प्लस ट्वेंटी फोर इंटू एम प्लस थर्टी थ्री इंटू एम प्लस आप जी टी भी कर सकते थे मेमोरी रिकॉल दो बार दबाया मैंने तो क्लियर भी हो गया मेमोरी डिवाइड बाय टेन कर दिया तो ये आंसर आ गया वन फाइव एट सिक्स पॉइंट टू मेमोरी क्लियर की थी हा? मैंने इसको अब मैं मेमोरी में स्टोर करता अब ये करते फोर्टी वन इंटू इज इक्वल टू ये सप्लाइक करना है एम माइनस दबाया मेमोरी रिकॉल वन सेवन फाइव पॉइंट टू स्क्वायर रूट करते थर्टीन पॉइंट टू थ्री आंसर क्लियर नेक्स्ट

मैं ऐसे फ्रैक्शन में याद रखो आपको वो डेसिमल वाला वैल्यू पता है तो वो डालो कोई फर्क नहीं पड़ता इफ द रेंज ऑफ एक्स इज टू वॉट वुड बी द रेंज ऑफ दिस तो इसका रेंज चाहिए माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टी ये अपना वो टर्म है तो आपने क्या बोला रेंज ऑफ एक्स इज वॉट मॉड ऑफ माइनस थ्री इन रेंज ऑफ वाई इज मॉड ऑफ माइनस थ्री इंटू रेंज ऑफ एक्स तो थ्री इंटू टू विच इज सिक्स

द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इज 14, मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स इज 18, दैन द मीन ऑफ फाइव नंबर्स कंबाइंड मीन दिखता है क्या फर्स्ट तीन लोग का मीन पता है तो 3 इंटू फोर्टीन एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अप ऑन एन क्लियर 3 इंटू फोर्टीन इक्वल टू टू 78 एटीन इक्वल टू जी टी डिवाइडेड आंसर नेक्स्ट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल टू वेरिएबल्स आर अनको रिलेटेड मीन्स आर जीरो कब होता जब वो होते परपेंडिकुलर वेन पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस ज़ीरो होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है If mean and standard deviation is 10 and 2 respectively, Q will be. So mean मतलब NP है 10, standard deviation मतलब under root of NP Q है 2. तो इधर से squaring both the sides. NP डाल दो 10, तो 10 Q is 4. तो Q कितना? 4 by 10 माने 0.4. Answer. Next. विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल मैंने आपके लिए स्क्रीन शॉट रखा हुआ है फ्रॉम द मॉडल वी हैव डन दिस प्रिवियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉन्स्टेंट वो रॉन्ग है अपने पास ये तीन कंडीशन होती है तीनों सक्सेस की बात करता है एक चीज बोलता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज अर्यर सक्सेस नेक्स्ट बोलता है द टाइम इंटरवल में जो हैविंग मोर देन वन सक्सेस है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और प्रोबलिटी ऑफ हाइविंग सक्सेस इज इज इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल इज के इन टू टी वेर के इज अ कॉन्स्टेंट तो ये तीन ऑप्शन बी सी डी है सिर्फ ए ऑप्शन दिख रहा है द प्रोबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर्स इज कॉन्स्टेंट सो विच वन इज नॉट अ कंडीशन ए ऑप्शन नेक्स्ट इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरियंस मीन वेरियंस इज इक्वल टू एम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है भाई म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इधर से म्यू कितना है ये म्यू होता है और ये सिग्मा होता है समझता है क्या सीधा यही उठा लो इधर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं दिस इज टू सिग्मा स्क्वायर तो थर्टी टू बाई टू इज सिक्सटीन उसका अंडर उट फोर तो म्यू माइनस सिग्मा टेन माइनस फोर टेन प्लस फोर सिक्स एंड फोरटीन सिक्स एंड फोर्टीन बोल रहा हूँ मैं टिक फोर सिक्सटीन कर रहा सिक्स एंड फोर्टीन इज द आंसर क्लियर है पक्का नेक्स्ट द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व तो वन होता है स्टप ऑफ अ टेबल इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज लेफ्ट रोज यस दैयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटर्माइंड ग्राफिकली तो ग्राफिकली कौन आ सकता है मोड और मीडियम एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू भाई समेन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैलसी पर डाल दे जो आंसर नेगेटिव आएगा वो एम माइनस कर दू मैं या तो तुमको एम प्लस वाला करना है वैसा करते क्या ट्वेंटी को नेगेटिव बनाया इंटू थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एम प्लस टेन को नेगेटिव बनाया इंटू वन डिवाइडेड बाई फाइव एम प्लस थर्टी इंटू वन डिवाइडेड बाई टू एम प्लस सेवेंटी फाइव इंटू वन डिवाइडेड बाई टेन एम प्लस एटी इंटू वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एम प्लस मेमोरी रिकॉल ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव आंसर नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेसिस को क्या बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी या टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेसिस परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज स्टेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर समेशन पी जीरो क्यू जीरो समेसन पी एन जीरो एन जीरो एन जीरो इधर प्रॉब्लम है, है दिख रहा क्या ये होना चाहिए समेशन पी जीरो क्यू एन ये समेशन पी एन क्यू एन ये अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सो वॉट इज लैस लैसपेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर मांगा है तो एक्चुअली वो सब की जरूरत भी नहीं है क्लियर लैसपेयर्स कैसे आएगा समेशन पी एन क्यू ज़ीरो अपॉन समेशन पी ज़ीरो इन टू हंड्रेड लेट्स सॉल्व वन नाइन डबल जीरो इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थ्री सिक्स जीरो कम्स आउट टू बी वन थर्टी पॉइंट सेवन इज दिस क्लियर तो बट ऑबियसली सब सेम नहीं चलेंगे तो ये दोनों अलग छोड़ दो भाई आई होप दिस इज क्लियर पी एन क्यू जीरो पी जीरो वन थर्टी नाइन पॉइंट सेवन ऑप्शन बी नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज क्लास इंटरवल क्लास विड्थ भी बोल सकते हो आप अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट एन एवरेज स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस अगर सेम है दिल्ली से आगरा आगरा से डेली तो अपन जो एवरेज स्पीड है वो हारमोनिक मीन से निकालेंगे टू इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई सो कैसे किया टू इंटू सिक्सटी इंटू थर्टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी प्लस थर्टी इज नाइन्टी तो आंसर आ रहा है फोर्टी सो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर क्लियर है चले आगे मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज हंड्रेड मीन दिया, 100, दिया का फॉर्मूला एच डी अपॉन मीन इंटू हंड्रेड एच डी सी वी दिया नहीं पता मीन है हंड्रेड अब कितना ईजी क्वेश्चन नहीं है एच डी कितना फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव परसेंट बोला इसके लिए इंटू हंड्रेड किया मैंने मीन एंड स्टैंडिगेशन ऑफ एक्स आर ए एंड बी तो ये है एक्स बार और टू है सिग्मा देन द स्टैंडर्ड डिशन ऑफ दिस तो वाई कितना है एक्स माइनस ए अपॉन बी इसको मैं ऐसा बोल दू? y इज b दोनों को बांटा x बाय बी माइनस ए बाय और अच्छे से वन बाय बी टाइम्स ऑफ x क्योंकि ये अपने काम का होता है पता है क्या स्टैंडर्ड डिशन ऑफ y क्या है मॉड ऑफ वन बाय बी इंटू स्टैंड ऑफ x वन बाय बी इंटू बी 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 कट आंसर आया वन नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता स्टैंडिवेशन भाई नोट करना इफ वन रिग्रेशन कोफिशियंट इज ग्रेटर देन वन द अदर विल डेफिनेटली बी लेस देन वन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आर ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन तो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है वन वॉट इज एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव को अपन कंटिन्यूस बोल सकते हैं इन विच बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड क्लास फ्रीक्वेंसी में इन विच लोअर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास फ्रीक्वेंसी इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास फ्रीक्वेंसी जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी तो टेन जो अपर लिमिट है वो पहले क्लास में नहीं काउंट हो रहा वो दूसरे क्लास के लोअर लिमिट में काउंट हो रहा इफ़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज सिक्सटी फोर जोमेट्रिक मीन इज सिक्सटीन देन हार्मोनिक मीन वॉट डू वी नो जी स्क्वायर इज ए इंट एच तो जी कितना उसका स्क्वायर इज सिक्सटी फोर एच तो एच क्या हुआ सिक्सटीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी फोर वेन द मीन इज थ्री पॉइंट फाइव सेवन मोड इज टू पॉइंट वन थ्री द वैल्यू ऑफ मीडियम मैंने भाई ये फॉर्मूला रटा हुआ है मीन माइनस मोड इज थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियम अब इधर से डिराइव करना है डिराइव कर लो वैल्यू पुट कर लो जैसा भी 3.57 पॉइंट माइनस टू ये थ्री से डिवाइड कर दूँ इजी कर डू मीन माइनस मीडियन चल पहले इतना करते हैं 3.57 पॉइंट फाइव सेवन माइनस टू पॉइंट वन थ्री द होल डिवाइडेड बाई थ्री कम्स आउट टू बी ज़ीरो पॉइंट फोर एट ये अपन को पता है ना थ्री पॉइंट फाइव सेवन अब आपने क्या बोला मीडियन इधर आ जा तो मीडियन कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव सेवन माइनस ये वैल्यू ये वैल्यू कितनी आई थी 0.48 उसको एम माइनस कर दें और 3.57 को एम प्लस कर दें मेमोरी रिकॉल किया 3.09 दिस इज द मीडियम क्लियर है इधर अपना मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है होप इट इज सुपर इजी टिटो में 2018 का सीए फाउंडेशन का फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो परफेक्ट ऑल द बेस्ट जय